किसी ने पूछ लिया, सर ये रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे क्यों लिखते हैं, वी बी ए वैक्टर वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, आपने तो याद करवा दिया। तो देखो इमेजिन करो, ये ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे सुनने वाली बात है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, कि मान लो एक पार्टिकल ए पे था, फिर वो बी पे चला गया, ए पे पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, बी पे पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर है, आपकी हैंड रिटन शीट है उसमें गिवन है सारा, ये चेक कर सकते हो, रेन एंड मैन प्रॉब्लम के बाद है ये। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर है तो ट्राइंगल लॉ लगाएं, ट्राइंगल लॉ में आर बी वेक्टर रिजल्टेंट है आर ए का और एक्स का, ये रहा, तो एक्स वेक्टर क्या आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर को लिख लिया आर ऑफ बी ए वेक्टर, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, डी बाई डी टी डी बाई डी टी डी बाई डी टी, पोजिशन वैक्टर की टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन विल गिव वेलोसिटी वैक्टर, वेलोसिटी वैक्टर रिलेटिव वेलोसिटी वैक्टर। तो ऐसे करके इसका प्रूफ पोजिशन वैक्टर और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ज़रूरत नहीं है आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंस वी बी ए वैक्टर क्या होता है, वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, बस रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही लोग पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने एंड में लिख दिया।